तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपने MRD ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्प्लेंडर कितने साल तक चला सकते हैं हम स्प्लेंडर बाइक को। तो स्प्लेंडर के बारे में यार डिस्कस करने वाले हैं हम, तो आज की वीडियो देखते रहिए। तो गाइज, स्प्लेंडर प्लस जो कि हीरो की है, तो वो एक ऐसी बाइक है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। बाहर का पता नहीं, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। आज तक की सबसे टॉप की बाइक है जो कि सबसे ज़्यादा बिकी है इंडिया में, और बिक भी रही है। डेली की 90,000 बाइक बिक रही है इंडिया में स्प्लेंडर प्लस। और बाइक की इतनी मतलब रीसेल वैल्यू भी खूब अच्छी है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है बाइक की। यदि आप 2-3 साल पुरानी बेचते हो तो वो अच्छी बिक जाती है आपकी, 30,000 तक आराम से बिकी जाती है, 25-30,000 तक आराम से बिक जाती है यदि आपकी कंडीशन अच्छी है आपके बाइक की। और बाइक आज हम ये पता लगाएंगे बाइक कितनी मतलब कितनी साल तक चला सकते हैं बाइक को। तो बाइक को यार एक बात बताऊँ, यदि आप सर्विस वगैरह कराते रहेंगे तो बाइक को आप चाहे 20 साल चला लीजिए, और यदि आप मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ कराएंगे तो वो तो चली जाएगी 20 साल। लेकिन मैं बाइक स्प्लेंडर जो बाइक है ना, उसका दावा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कि बाइक ये बाइक 10 साल तक आराम से चला सकती है इस बाइक को आप, यदि आप लेट सर्विस कराते तो भी। लेकिन बाइक अच्छी है यार, परफॉर्मेंस अच्छी है बाइक की, सब कुछ अच्छा है, और बाइक 10 साल तक आराम से चला सकते हैं आप। मिनिमम 10 साल तक बाइक को आराम से चला सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, ठीक है। तो बाइक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे पापा के पास है यही बाइक स्प्लेंडर प्लस, तो उसको 9 साल हो गए यदि मैं अभी भी उसको बेचे ने, यदि हम उस बाइक को अभी भी तो 30,000 में आराम से बेच सकता हूँ उसको। 2010 का मॉडल है, 8 साल उसको हो गए हैं, और 8 साल ये देख लीजिए आप, 8 साल में उसकी यदि कोई कंडीशन देखेगा ना तो वो बोलेगा कि ये 1-2 साल ही पुरानी है, क्योंकि बड़ी मतलब मेंटेन करके रखते हैं मेरे पापा जी। तो काफ़ी अच्छी बाइक है वो स्प्लेंडर, सारी अच्छी है, क्योंकि स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है कंपनी वालों ने उसके मटेरियल में जो शुरुआत में जो मटेरियल आता था ना, वही मटेरियल है अभी तक, तो उन्होंने मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा रखा है बाइक में, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा चल पाती है। और बजाज की बाइक सी क्या वो होती है कि बजाज की बाइक यदि आप खड़ी भी रखोगे तो भी वो अपने आप ख़राब हो जाती, ख़राब नहीं होती मतलब रंग उड़ने लग जाता है पार्ट्स का, और मतलब रंग उड़ जाता है तो फिर बचता ही क्या है बाइक में, रंग ही होता है मेन। तो यदि कलर आपकी बाइक का अच्छा लग रहा है तो न्यू दिखेगी, और कलर यदि फीका पड़ गया तो फिर तो पुरानी दिखनी है। तो गाइस, बस लास्ट में यही बोलूँगा कि स्प्लेंडर मतलब यदि किसी को ज़्यादा लाइफ के लिए चाहिए, मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए, तो भाई स्प्लेंडर सबसे अच्छी बाइक है। इसको आप 9-10 साल तक आराम से चला सकते हैं, आराम से, और यदि टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे तो आपके 15 साल आराम से चलेगी बाइक, लिखवा लो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बाइक है, तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।